हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ये सफेदी की चमकार बन के क्यों खड़ी हुई, ये सोच रहे हो ना? तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो इस ड्रेस से रिगार्डिंग है, इससे रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तब मुझे व्हाइट पैंट कुर्ती के साथ व्हाइट पैंट नहीं पहननी थी, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। फिर सब कुछ ट्राई करने के बाद मैंने फिर बाद में व्हाइट पैंट ही पहन ली थी, जिससे मुझे काफी अच्छा लगा बाद में वीडियो देखने के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूं जो उस दिन मेरे दिमाग में चल रहा था, हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में भी चले। तो चलिए इसी के बारे में मैं कुछ आपको कलर कॉम्बिनेशन बताती हूँ, जो व्हाइट कुर्ती के साथ हम नीचे मतलब पैंट के अलावा हम क्या क्या पहन सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट लुक आप देख ही रहे हो, जिसमें व्हाइट कुर्ती और व्हाइट पैंट पहन रखी है मैंने। तो चलिए अब मैं दूसरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये मेरा नेक्स्ट लुक है, जिसमें मैंने येलो पैंट पहनी है और व्हाइट की कुर्ती रखी है। ये कलर कॉम्बिनेशन भी हम पहन के काफी अच्छा लगता है। अगर इसके साथ हम येलो कलर का दुपट्टा या स्कार्फ ले लें तो ये कलर और भी प्यारा लग सकता है। चाहे तो हम हील भी चेंज कर सकते हैं, मैचिंग हील्स पहन सकते हैं। ये ब्लू या व्हाइट भी मैच कर रही है काफी अच्छे से। ये देखिए मैं फिर से एक सफेदी की चमकार बन के खड़ी हो गई हूँ। इस बार मैंने व्हाइट सलवार ली है और कुर्ती तो ऑलरेडी व्हाइट है। ये कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लगता है, मुझे फिर से फील हो रहा है जैसे मैंने अपनी कॉलेज ड्रेस पहन ली है। बट कॉलेज ड्रेस में ये लेस वगैरह नहीं होती, एकदम सिंपल होती है, तो ये थोड़ा अच्छा लुक लग रहा है। अगर इस पे हम रेड कलर का, मेहरून कलर का, मल्टी कलर का दुपट्टा लेंगे तो और भी बहुत प्यारा लगेगा ये सूट पहनने के बाद। ये देखिए इस सलवार से थोड़ा अच्छा लुक आ गया है और व्हाइट पैंट के साथ मुझे अलावा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें ना सलवार में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। व्हाइट पैंट भी अच्छी थी बट पैंट से ज्यादा मुझे सलवार इजी लग रही है, यू नो, कंफर्टेबल में। ये देखिए मैंने ब्लैक कलर की लेगी पहनी है। ब्लैक और व्हाइट तो हमेशा से एक दूसरे के साथ चलते आए हैं, और ऐसे भी ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन तो हमेशा से अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसके साथ में ब्लैक हील्स भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी, बट मैं भी नहीं कर रही, मैं व्हाइट रखूंगी। मैंने कुर्ती के साथ में ये स्कर्ट डाली है, ये आजकल ट्रेंडिंग में भी है ना, स्कर्ट और कुर्ती, तो इस वजह से। और साथ में इसमें स्कर्ट के अंदर व्हाइट कलर की डिजाइन है, जिसकी वजह से ये और भी अच्छा लग रहा है। ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब ड्रेस बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड कपड़े हैं तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगोगे पहन के। मैंने फिर से ब्लैक कलर की सलवार ही डाली है, अफगानी सलवार जिसे बोलते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा लगता है, ये थोड़ा पठान टाइप लुक हो गया है ना, सिर्फ पठानी लोग पहनते हैं लॉन्ग कुर्ता और नीचे सलवार ऐसे इस टाइप की, ये उस तरह का कोई लुक हो गया है। इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की जैकेट भी डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा, जैसे कि ये, इसको डालने के बाद थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा, हम और भी अच्छे लगेंगे। ये देखिए अब थोड़ा अलग और डिफरेंट भी हो गया है।
जैकेट से थोड़ा डिफरेंट लुक भी आ गया और साथ में प्यारा भी लग रहा है। अगर आपके पास इस टाइप की जैकेट या कोटी नहीं है तो आप ब्लैक कलर की कोई भी जैकेट ले सकते हो, या डेनिम की जो जैकेट्स चल रही हैं उसको भी आप ले सकते हो, उससे भी काफी अच्छा लुक आएगा आपका। मैंने ये कुर्ती के साथ ब्लैक कलर का प्लाजो पहना है, आप चाहो तो सिंपल ब्लैक प्लाजो भी पहन सकते हो। मैंने ये इसीलिए पहने क्योंकि इसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर का डिजाइन था, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए आप बताइए आपको कौन सा ड्रेस कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा, उसका कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।